Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज मुंबई शरीक पाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल ट्रायल सीरीज के अंदर आज हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर हम स्टेज 9 से स्टेज 12 तक डिटेल डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने चलान 173 की रिपोर्ट को पढ़ा था कि चलान के कौन कौन से नतायज अखज हो सकते हैं। अनट्रेस्ड चलान, ऐसा चलान जिसको ट्रेस ही नहीं किया जा सकता, ऐसा जुर्म जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। कैंसिलेशन रिपोर्ट, जिसके अंदर जुर्म से इनकार कर दिया जाएगा ये जुर्म हुआ ही नहीं। और चलान रिपोर्ट, यानी कि उसके अंदर जुर्म का दफा सेक्शन लगा के जी इस शख्स के खिलाफ हमें खातर ख्वाह एविडेंस मिली है तो इसके खिलाफ आगे केस प्रोसीड किया जा सकता है, मजीद मटेरियल मिल सकता है। और सेकंड चलान 173 की रिपोर्ट रेड विद 155 पुलिस रूल 1934 भी है। ये भी एक किस्म का, ये भी उसी चलान की फर्दर पार्ट है, जिसके अंदर पुलिस अपनी ऑब्जर्वेशन देती है, ये इंटरोगेट करती है कि जी ये तो सिविल सूट है या मलिशियस प्रोसिक्यूशन है या ये झूठ पर मबनी है, झूठ का पलंदा है, तो लिहाजा ये केस बनता ही नहीं, या अगर ये केस बनता तो हमारी कॉग्निजेंस के अंदर नहीं आता क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, ये सिविल सूट है और सिविल कोर्ट के लिए ही ये फिट है। तो इस तरह से अगर पुलिस चलान कैंसिल कर दे, कैंसिलेशन रिपोर्ट बना दे, तो उसके बाद आती है स्टेज 9। स्टेज 9 दरअसल ट्रायल का रेगुलर हिस्सा तो नहीं, लेकिन अगर पुलिस चलान कैंसिल कर दे तो देन जो विक्टिम पार्टी है, मदई काउंसिल है, वो स्टेज 9 की इस सेक्शन का सहारा जरूर लेती है। ये सेक्शन है कंप्लेंट, समनिंग ऑफ अक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट। अगर पुलिस सेक्शन स्टेज 9 को हम पढ़ते हैं कि अगर पुलिस कैंसिलेशन रिपोर्ट बना देती है तो जो विक्टिम पार्टी है, मदई काउंसिल है, प्रोसिक्यूशन साइड है, वो कंप्लेन करके भी मजिस्ट्रेट साहब से दोबारा से इनिशिएट करवा सकती है और मुलजम को समन भिजवा सकते हैं कि जी मुलजम को बुलवाया जाए, हमारे पास एविडेंस है, अगर इनके पास नहीं है तो। स्टेज 9 समनिंग ऑफ अक्यूज इन द कंप्लेंट केस, सेक्शन 200 CRPC के जरिए कंप्लेन फाइल करके भी मुलजम को समन करवाए जा सकते हैं, बावजूद इसके कि पुलिस कैंसिलेशन रिपोर्ट बना दे कि जिसके खिलाफ तो केस बनता ही नहीं है, ये तो केस ही बहुत कमजोर है। अगली स्टेज, स्टेज 10 प्रोसीजर इन कंप्लेंट। कंप्लेंट का प्रोसीजर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंप्लेंट सेक्शन 200 के जरिए फाइल की जाएगी मजिस्ट्रेट साहब के पास। अच्छा, एक चीज यहां पर काबिले जिक्र बता दूं कि आगे भी हम चल के ट्रायल के अंदर पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो केस का इनिशिएटिव लिया जाएगा ना ट्रायल के लिए, वो मजिस्ट्रेट साहब के पास ही लिया जाएगा, उसके बाद केस फिर सेशन ट्रायल में या हाई कोर्ट ट्रायल की तरफ जाता है। तो वो मजिस्ट्रेट साहब की अगर कॉग्निजेंस नहीं बनती, वो उसके ऊपर इख्तियार समात नहीं रखते, तो देन मजिस्ट्रेट साहब 191 पार्टी के कहने पर या 192 केस को ट्रांसफर कर देंगे, 192 सेक्शन CRPC के जरिए केस को ट्रांसफर कर देंगे सेशन जज साहब के पास कि जनाब ये मेरी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, मैं इस जुर्म के ऊपर कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, ये कॉग्निजेबल मेरे इदारे इख्तियार के अंदर नहीं, ये कॉग्निजेंस मेरे इदारे इख्तियार के अंदर नहीं बनती, तो लिहाजा आप इसको जो मुनासिब समझे किसी और सेशन जज साहब के पास ट्रांसफर कर दें। तो केस का इनिशियल जो प्रोसेस होगा वो मजिस्ट्रेट साहब के पास ही आएगा। अगर मजिस्ट्रेट साहब उस जुर्म को सुनने की अकॉर्डिंग CRPC इस्तात रखते हैं, इख्तियार समात रखते हैं तो सुनेंगे, अगर नहीं इख्तियार समात रखते तो सेक्शन 192 के जरिए या कोई कौंसल सेक्शन 191 CRPC के जरिए, सेक्शन 192 CRPC अज खुद कोर्ट कर सकती है और सेक्शन 191 किसी पार्टी के जरिए अक्यूज के कहने पर या पार्टी के कहने पर भी जो कोर्ट है वो केस को ट्रांसफर कर सकती है कि आप सेशन जज साहब के पास भिजवा देंगे, आप जो मुनासिब समझे इसके ऊपर किसी और को एज ए जज मुकर्रर कर दें इस केस को सुनने के लिए। तो लिहाजा कोई भी केस स्टार्ट होगा मजिस्ट्रेट साहब से। 10th स्टेज प्रोसीजर इन कंप्लेंट केस, सेक्शन 200 के जरिए कंप्लेन आएगी मजिस्ट्रेट साहब के पास, चाहे पुलिस कैंसिलेशन रिपोर्ट बना दे, मलिशियस प्रोसिक्यूशन बना के केस को झूठा कह दे या व्हाटसोएवर, तो केस डिसमिस नहीं होता। एक और चीज बता दो कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी वो कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है ये बतौर राय ली जाएगी कोर्ट के अंदर, ना के बतौर अथॉरिटी। पुलिस अगर ये कह भी दे कि जी ये कैंसिलेशन बनती है या सिविल सूट नहीं बनता, तब भी मजिस्ट्रेट साहब पुलिस की बात को मानने के पाबंद नहीं। ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 12 जजमेंट्स के अंदर ये बावर करवाया है कि कोर्ट पुलिस की बात को मानने की पाबंद नहीं, वो पुलिस की राय ले सकती है कि जी पुलिस की राय के मुताबिक ये सिविल सूट नहीं बनता या इन्वेस्टिगेशन के अंदर एविडेंस नहीं मिली इस शख्स के खिलाफ जो मुलजम है, जिसको केस के अंदर मुलजम रखा गया है, या कोई ऐसा विटनेस नहीं है, या ये मलिशियस प्रोसिक्यूशन है, झूठ का पलंदा है, सियासी मुकदमाबाजी है, तो ये राय हो सकती है, ओपिनियन हो सकती है, ना कि बाइंडिंग ऑन द कोर्ट।
और वैसे भी एक जुबान ज़दाम बात है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो अदालत के लिए एक रद्दी की टोकरी से ज़्यादा कुछ नहीं होती, क्योंकि अदालत ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर रिलाई नहीं करना होता। ये तो एक आप इसको कह लें कि ये एक सेकेंडरी एविडेंस के तौर के ऊपर, एक सपोर्टिव एविडेंस के तौर के ऊपर अगर तो ये मुलजम की फेवर में तो वहां पर सपोर्टिव एविडेंस के तौर पर, अगर ये विक्टिम की फेवर में तो वहां पर सपोर्टिव एविडेंस के तौर के ऊपर बेसिकली आती है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल लेक्चर भी अपलोड करूंगा कि पुलिस का बेसिकली काम क्या होता है। अक्सर पुलिस वाले ये कहते हैं कि जी हम मुलजमों को पकड़ते हैं अदालतें छोड़ देती हैं, तो जनाब आपका काम मुलजमों को सिर्फ पकड़ना है, अदालतों का काम है मुलजम को सजा देनी है या छोड़ना है, ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आता। मजीद मैं बहुत ही जल्द इसके ऊपर भी एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा कि पुलिस का बेसिक काम क्या है, किस तरीके से FIR देना या जो भी पुलिस का प्रोसीजर है, क्या पुलिस का काम है सजा देना या ये अदालत का काम है, तो अकॉर्डिंग लॉ में इसके ऊपर भी डिटेल लेक्चर बताऊंगा। एनीवे, तो अगर पुलिस रिपोर्ट मुलजिम के खिलाफ या फेवर में भी आती तब भी अदालत के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, अदालत जो चाहे मे फिट थिंक इट, बारहा ये वर्ड CRPC के अंदर यूज होता है कि जो अदालत की स्वाबदी इख्तियार होंगे, जो अदालत की मर्जी होगी उसके अकॉर्डिंगली फैसला किया जाएगा। लेकिन अगर पुलिस रिपोर्ट के अंदर कैंसलेशन बन जाए, जिस मदई ने FIR करवाई है उसकी कैंसलेशन करवा दे पुलिस, तो फिर भी वो मदई कंप्लेंट के जरिए सेक्शन 200 के जरिए मुलजम को समन करवा सकता है और मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेंट सेक्शन 200 के जरिए कंप्लेंट को एग्जामिन करेंगे और सेक्शन 200(1) के जरिए 201 CRPC के जरिए अगर मजिस्ट्रेट साहब उसके ऊपर कॉन्ग्रेंस लेने की कंपिटेंसी नहीं रखते तो देन उसको ट्रांसफर कर देंगे सेशन जज साहब के पास और सेक्शन 202 CRPC के अंदर मजिस्ट्रेट साहब पोस्टपोन कर देंगे इश्यूज ऑफ प्रोसेस को और सेक्शन 203 के जरिए CRPC सेक्शन 203 के जरिए मजिस्ट्रेट साहब उस केस को डिसमिसल भी कर सकते हैं। तो इन 3-4 सेक्शंस के अंदर रहते हुए मजिस्ट्रेट साहब ने एग्जामिनेशन करना है कंप्लेन को, क्या है वो उनकी जुरिसडिक्शन बनती है, अगर तो बनती है तो इश्यूज ऑफ प्रोसेस कर देंगे, इश्यूज ऑफ प्रोसेस क्या है ये आगे डिटेल जो स्टेज आएगी वहां पर मैं बताऊंगा, तो उस केस को आगाज कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, अगर नहीं बनती तो उसको डिसमिस कर सकते हैं या उसके अंदर कोई ऐसा डाउट है तो पोस्टपोन कर सकते हैं। इंक्वायरी मोड ऑफ प्रोसीजर सेम ऐसे ही, जब कंप्लेन आ गई तो मजिस्ट्रेट साहब उसकी इंक्वायरी का हुक्म देंगे पुलिस को, चाहे वो पुलिस को दें या जो कोर्ट में फिट थिंक इट या जो कोर्ट मुनासिब समझे, कोर्ट में फिट थिंक इट जैसे कोर्ट को मुनासिब लगे, चाहे उसके ऊपर लोकल कमीशन बनाना है या उसके ऊपर लोकल इंक्वायरी स्टार्ट करनी है या पुलिस को हुक्म देना या किसी और एजेंसी को जो कि उस मैटर के ऊपर अकॉर्डिंग लॉ इन्वेस्टिगेट करने की अथॉरिटी रखती है, जैसे कि एंटी करप्शन के मामला को एंटी करप्शन को रेफर किया जाएगा, नैब मैटर्स को नैब जो है डिपार्टमेंट्स को रेफर किया जाएगा, सेम इस तरह से साइबर लॉज को FIU को रेफर किया जाएगा, तो जो डिपार्टमेंट कंसर्न होगा इन्वेस्टिगेशन का मजिस्ट्रेट साहब उस डिपार्टमेंट को हुक्म देंगे कि इस मामले को इंक्वायर करें, इन्वेस्टिगेट करें और रिपोर्ट अकॉर्डिंग डिटरमाइंड डेज ऑफ कोर्ट के अंदर सबमिट करवाएं, जो कोर्ट ने डिटरमाइंड किए हैं कि इन दिनों के अंदर सबमिट करवाना है तो उन दिनों के अंदर रिपोर्ट को सबमिट करवाना पड़ेगा। अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगे कि इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, झूठ का पलंदा है, तो सेक्शन 203 के जरिए कंप्लेन को डिसमिस भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कंप्लेन ऑन ओथ होगी, कोई भी कंप्लेन जब ली जाएगी ऑन ओथ ली जाएगी यानी कि हलफनामे के ऊपर, तो अगर कंप्लेन झूठी हो तो मुलजम के खिलाफ, तो मदई के खिलाफ फिल फुल कार्रवाई कोर्ट कर सकती है, चाहे तो जो मुलजम है जिसको मुलजम नामजद किया गया है वो करे या कोर्ट भी खुद से चाहे तो मदई के खिलाफ या कंप्लेन झूठी कंप्लेन देने वाले के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला सकती है। स्टेज 10 प्रोसीजर ऑफ कंप्लेन केस, स्टेज 11 इंक्वायरी ऑफ कंप्लेन केस, ये दोनों स्टेजेस होगी। ये तब की है अगर पुलिस कैंसलेशन रिपोर्ट दे दे और मदई को कंप्लेन के जरिए अदालत के अंदर मामला को प्रोसीड करने पड़े, तो ये 3-4 स्टेजेस वो हैं। अब आते हैं मेन जो ट्रायल की प्रॉपर स्टेज है, 12 स्टेज। स्टेज 8 के अंदर हमने चालान रिपोर्ट 173 रेड विद 155 पुलिस रूल 1934 को पढ़ा था और उसके बाद अगर वहां पर कैंसलेशन आ जाती है पुलिस की रिपोर्ट के अंदर, पुलिस FIU को कैंसिल करने की इस्तदा करती है और कोर्ट कैंसिल कर भी दे, तो देन 9, 10 और 11 जो स्टेजेस है यहां पर कंप्लेन के जरिए आप उसी केस को आगे फर्दर प्रोसीड करवा सकते हो। अगर FIR कैंसिल हो जाए या पुलिस कैंसिल कर दे या कोर्ट कैंसिल कर दे तो आप कंप्लेन के जरिए फिर उससे आगे प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकते हो। अब आते हैं इश्यूज ऑफ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल 173 की रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश हुई और उस कोर्ट के अंदर पुलिस वाले ये लिखते हैं कि जी वाकई ही मुलजिम इसके खिलाफ हमें ये गवाहियां मिल गई हैं। हम बीच वाली जो 2-3 स्टेजेस पड़ी कंप्लेन वाली, अब डायरेक्टली स्टेज जो हमारे पिछले लेक्चर के अंदर स्टेज 10 थी पुलिस रिपोर्ट जो बनती है, अगर पुलिस रिपोर्ट चलान हो जाता है कि जी फलां शख्स को हम इस जुर्म के अंदर चलान करते हैं, हमारी एविडेंस के मुताबिक ये जुर्म बनता है इस शख्स ने और ये जो जुर्म है PPC का ये सेक्शन बनता है, तो अपना जो चलान रिपोर्ट है वो कोर्ट के अंदर सबमिट करवाएगी और कोर्ट देन इश्यूज ऑफ प्रोसेस करेगी। इश्यूज ऑफ प्रोसेस जो है सेक्शन 204 के जरिए, 204 के जरिए CRPC सेक्शन 204 के जरिए प्रोसीड किए जाएंगे। इश्यूज ऑफ प्रोसेस का क्या मतलब है? इशू जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर है, आगाज करना, प्रोसेस किसी काम का, यानी कि जब
मजिस्ट्रेट साहब को लगे कि जो मेरे पास मटेरियल आया है, ये जिस शख्स के खिलाफ आया है, ये काफी है उसके खिलाफ केस फाइल करने के लिए, केस चलाने के लिए, ट्रायल को आगे स्टार्ट करने के लिए, जब कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो मदई की हमारे पास कंप्लेन की सूरत में एप्लीकेशन आई या FIR की सूरत में मदई की जो इस्तदा आई और पुलिस की जो 173 की रिपोर्ट हमारे पास आई, उसके अंदर काफी सारा जो है वो हकायक गौर तलब हैं जिनके ऊपर तफसील ली जा सकती है। ऐसे हकायक हैं जहां पर ये डाउट है, या तो ये केस प्रिमा फिशाई है, प्रिमा फिशाई की एविडेंस मैं अपने चैनल के अंदर अपलोड कर चुका हूं, अपने चैनल पर ये लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, आप इसको विजिट करके देख लीजिएगा। प्रिमा फिशाई फर्स्ट साइट इंप्रेशन कि ये बजाहिर लग रहा है कि वाकई जो केस है ये मुलजम के खिलाफ है और मुलजम से पूछताछ करनी चाहिए कि इसने ये काम क्यों किया। जब कोर्ट इस मामले के ऊपर सेटिस्फाइड हो जाती है, इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि नहीं, ये मटेरियल, ये एविडेंस, ये विटनेस वाकई ये साबित, बजाहिर ये साबित कर रहे हैं कि ये जिस शख्स के खिलाफ इल्जाम लगाया है उस शख्स ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा, तो लिहाजा अब उसने किया होगा तो उसको बिना सुने, बिना देखे, बिना पूछे तो सजा नहीं दी जा सकती। अब उसको सुनना है, अब उसको बुलवाना है। जो सुनने का और बुलवाने का अमल है ट्रायल के अंदर, डेट इज अ मोस्ट कंप्रीहेंसिव, डेट इज अ मोस्ट इसेंशियल स्टेज ऑफ ट्रायल। मुलजम के बारे में मदई से, विक्टम से, पुलिस से तो सब कुछ जान लिया। मदई ने कहा कि जी इसने जो है वो फायर मारा मेरे भाई को, FIR लिखवा दी, पुलिस से तहकीक की, पता चला कि वाकई ये उस दिन लड़ाई वाले दिन वहां पर लड़ाई में मौजूद था और पिस्टल था इसके हाथ में। ये रिपोर्ट सबमिट करवा दी पुलिस ने और मुलजम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, पहले गिरफ्तार अगर हो जाता है तो 24 आवर्स के अंदर पेश करना मजिस्ट्रेट के साथ, उसकी जो तफ्तीश है मुकम्मल करके, अगर नहीं होती तो इंटरम चलान, अगर गिरफ्तार नहीं होता और पुलिस अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाती है तो देन या कंप्लेन के जरिए कोर्ट देखते कि वाकई इस मुलजम के खिलाफ जो कंप्लेन के बाद इंक्वायरी करवाई थी कोर्ट ने, उस इंक्वायरी से कोर्ट को लगा कि इस मुलजम के खिलाफ खातर हुआ एविडेंस है जिससे ये साबित होता है, जिससे ये बजाहिर लगता है, साबित नहीं होता, बजाहिर लगता है कि इसने जुर्म किया होगा। अब मदई को भी सुन लिया, पुलिस रिपोर्ट को भी देख लिया, मुलजम को देखना है, मुलजम को सुनना है। मुलजम को सुनने के लिए कोर्ट इश्यूज ऑफ प्रोसेस करेगी, यानी कि ये कहते हैं इश्यूज ऑफ प्रोसेस, CRPC सेक्शन 204 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। इश्यूज ऑफ प्रोसेस मीन टू से कि उस मुलजम को समन भजवाना, समन कहते हैं बुलावा कि जनाब ताडे खिलाफ आ रेफरेंस आ चुके हैं, ताडे तारीफों के पुल बने हुए मेरी कोर्ट के अंदर, तो अपनी जो है वो जनाबे अली थोड़ा सा हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दें, हमारी कोर्ट में पेश होकर हमें भी बताएं आपके खिलाफ ये जो सारे सबूत हैं, ये मटेरियल है, ये क्या सच्चा भी है या झूठा है। अगर सच्चा है तो आपको थोड़ा सा काम लाइए किधर जेल जूल दे बेचे, तो अगर झूठा है तो अपनी फेवर के अंदर एविडेंस लेकर आइए, इसको झूठा साबित करें। तो मुलजम से उसकी बात सुनने के लिए, उसको कोर्ट में पेश करने के लिए और मुलजिम को यह बताने के लिए कि भाई आपके खिलाफ ये केस अदालत में आ चुका है, जो उसको बुलवावा भेजा जाता है, जो उसको दावतनामा भेजा जाता है, डेट इज कॉल्ड समन, और उस समन को लॉ की जुबान के अंदर इश्यूज ऑफ प्रोसेस कहते हैं, ताकि मुलजम जनाबे अली कोर्ट पेश होकर आपका मौकफ से दवो सानू कि तुसा की कर दे फिर दे बाहर, तो डेट इज कॉल्ड इश्यूज ऑफ प्रोसेस। इश्यूज ऑफ प्रोसेस सेक्शन 204 के जरिए होता है। जब वो कोर्ट में पेश होता है तो देन कोर्ट की डिस्क्रिशन ही है कि उसको बोले कि जी असालतन आगे पेश होना या वकालतन, असालतन इन पर्सन, वकालतन बाय प्लीडर, किसी अपने वकील के जरिए। ये थी 12 स्टेज, 4 स्टेजेस को हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया। अगली स्टेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफी। इश्यूज ऑफ प्रोसेस से अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे, इश्यूज ऑफ प्रोसेस से पढ़ेंगे कि अगर बंदे का पुत्र बन के मुलजम पेश नहीं हुंदा तो फिर उन्हें किवें चुक के लेके आना, डेट इज कॉल्ड इश्यूज ऑफ वारंट। मतलब कि अगर वो इज्जत के साथ नहीं आया तो फिर दूसरा तरीका भी है कोर्ट को लेके आने का, तो वो कौन सा तरीका है, इश्यूज ऑफ वारंट कैसे जारी होता है, इसको अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूला करें। दोबारा हाजिर हूँ एक नई सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।